नमस्कार। आज मैं आपको भारत के राज्य बंगाल की एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है एरावत। एक राजा था जिसका बहुत ही बड़ा बगीचा था और उस बगीचे की देखभाल करने के लिए उसने एक माली रखा था। वो माली बहुत खुश रहता जब वो अपने बगीचे को देखता, उनका ध्यान रखता, पौधों को देखता, पौधों को पानी देता, खाद देता और उसमें उगने वाले फूल, पौधे, पत्तियाँ और फल वो देख कर बहुत खुश होता, बहुत ध्यान रखता था उस बगीचे का। लेकिन एक दिन जब वो बगीचे में पहुंचा तो उसके गुस्से का पारावार ना रहा। ये क्या, किसी ने उसके पूरे बगीचे को खराब कर दिया था, पैरों से रौंद दिया था, आखिर ये कौन हो सकता है? वो अगले दिन का इंतजार करने लगा और वहां वो पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा एक विशाल, इतना बड़ा सफेद हाथी कहां से आकाश से नीचे उतर रहा था। अच्छा, इसने ऐसा कुछ तबाही मचाई है। और वो हाथी के साथ साथ चलने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन अचानक हाथी फिर उड़ने लगा। उसने कहा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और उसने उसकी पूंछ पकड़ ली और वो उसके साथ उड़ने लगा। अरे अरे मेरा घर नीचे छूट गया, मेरी पत्नी नीचे छूट गई, अरे ये तो बादल भी नीचे चले गए, मुझे ये हाथी कहाँ लिए जा रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, इतना बड़ा बगीचा और इतने बड़े फल तो मैंने आज तक नहीं देखे, भूख भी लग रही है, चलो मैं ये आम खा लेता हूँ। और उसने इतना बड़ा आम उठाया और उसको छील कर खाने लगा। बहुत स्वादिष्ट है। खाते खाते उसकी आंख लग गई और वो सोने लगा। थोड़ी देर में जब नींद खुली तो उसने देखा ये हाथी तो उड़ने को तैयार है। वो जाके उसकी पूंछ पकड़ने लगा लेकिन तभी उसे याद आया अरे अपनी पत्नी के लिए कोई आम ले लेना चाहिए और उसे चलते चलते आम पकड़ लिया और इधर पूंछ पकड़ ली और धीरे से फिर हाथी जैसे नीचे की ओर उड़ा तो वो भी उसके साथ साथ आने लगा। हा, 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 अरे बादल बादल बादल, अरे बादल ऊपर हो गए, अरे वो मेरा घर दिखाई दे रहा है। और वो बहुत ही खुशी खुशी नीचे उतर आया और उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास दौड़ा। वहाँ पर पत्नी उसका इंतजार कर रही थी और कहने लगी कहाँ रह गए, मैं तो वो कब से खोज रही हूँ। अरे रुको तो सही, अरे ये क्या है तुम्हारे हाथ में, अरे इतना बड़ा आम, अरे रुक भगवान सब कुछ बताता हूँ। और वो उसके कान में उसके बोला, पूरी कहानी उसने बता दी और पत्नी की आंखें इतनी बड़ी हो गई, तुम अकेले गई और मुझे, अरे ले जाऊंगा कल। ले जाओगे? हाँ कल ले जाऊंगा, चुप किसी को बताना नहीं। नहीं मैं थोड़ी कभी किसी को बताती हूँ, जाओ तुम सो जाओ। और जैसे ही वो माली सोने गया इसकी पत्नी घड़ा उठाई और वो जाकर कुएं के पास खड़ी हो गई। वहाँ उसकी सहेली थी। वहाँ पर उसकी सहेली को देखकर उसकी पत्नी मुस्कुराने लगी। अब सहेली ने कहा क्या बात है, तुम आज बहुत मुस्कुरा रही हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो है, बता दे तेरे मन में क्या है, क्या मैंने कभी तेरी बात किसी को बताई? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बता देना। बता दूँ? हाँ बता देना। किसी को बताएगी तो नहीं? नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ ले जाऊंगी, तू जा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब वो भी अपने घर गई मुस्कुराती हुई
वहाँ उसका पति खड़ा था। वो देखा, अरे मेरी पत्नी क्यों मुस्कुरा रही है। उसने उससे पूछा, क्या बात है, तुम बहुत मुस्कुरा रही हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे बता तो दे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हो। अच्छा फिर सुनो, उसके पति की आंखें भी बड़ी हो गई। मुझे? अच्छा तुम भी आ जाना, किसी को बताना नहीं। अब पति भी बड़ा खुश हो गया और उसके बाद वो सोने चली गई और पति अपने दोस्त के पास चला गया। वहां उसने उसको बताया, उसके दोस्त किसी और को, फिर उसके और को, फिर किसी और को। करते करते पूरे गांव में खबर फैल गई और अगले दिन सारे गांव वाले पेड़ के पीछे छुप गए। और जैसे ही हाथी नीचे आया, माली ने पूंछ पकड़ी और अपनी पत्नी का हाथ थामा, और जब वो उड़ने लगा तो पत्नी का हाथ थाम लिया उसकी सहेली ने, और उसकी सहेली के हाथ थाम लिया उसके पति ने, उसके पति का हाथ थाम लिया उसके दोस्त ने, और फिर उसके दोस्त, फिर उसके दोस्त, फिर उसके रिश्तेदार, करते करते सारे लोग एक के बाद ऊपर उड़ रहे, उड़ रहे, उड़ रहे। तभी माली की पत्नी ने कहा, सुनते हो, जरा सुनो। क्या है, अभी क्यों तंग कर रही हो। अरे सुनो ना, मेरी सहेली पूछ रही है वहां और कितने बड़े बड़े चीजें हैं। कितनी कितनी बड़ी, ये अभी पूछने का समय नहीं है, उसको बोलो चुप हो जाओ। अरे सुन तो लो, अच्छा नहीं लगता, मेरी सहेली पूछ रही है और तुम मना कर रहे हो। चुप हो जाओ अभी, गिर जाएंगे। अरे ऐसा मत करो, सहेली है, उसको बता देने दो ना। अच्छा उसको बोलो इतना और इस तरह से उसका हाथ छोड़ना और सबका नीचे गिर जाना। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।